व्हाट इज अप गाइस, दिस इज रंजीत शर्मा और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फिंगरप्रिंट चैलेंज Mi A3 और Vivo V11 के बीच। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो आपको 13,000 रेंज के फ़ोन में यानी कि Mi A3 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी स्पीड कितनी है और वो कितना एक्यूरेट वर्क करता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लेट्स गो फॉर इट। ये है Mi A3 और जस्ट मैंने अभी इसकी अनबॉक्सिंग की है, बैक साइड में आप इसका बॉक्स भी देख सकते हैं। तो इस फ़ोन का गिव अवे मैं अनाउंस कर चुका हूँ अपने दूसरे चैनल पर, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली जाके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो जल्दी से जाइए उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और आप में से एक सब्सक्राइबर खींच सकता है ये फ़ोन। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो ये 6GB 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, 32MP का फ्रंट सेल्फी AI कैमरा है और बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा 48+8+2MP का कैमरा देखने के लिए। और ये है Vivo V11 Pro और सेम इसमें भी आपको 6GB 64GB इंटरनल स्टोरेज का ये वेरिएंट है और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर मिल जाता है। फ्रंट साइड में है 25MP का कैमरा और बैक साइड में है डुअल कैमरा जो कि है 12+5MP का। पर दोनों फ़ोन मेरे हाथ में हैं और मैं दोनों फ़ोन में ही अपना फिंगरप्रिंट सेट कर चुका हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले राउंड को। तो सच में Mi A3 Vivo V11 से फर्स्ट राउंड में पहले अनलॉक हो चुका है और बढ़ते हैं आप सेकेंड राउंड की तरफ। तो सेकेंड राउंड में Vivo V11 Mi A3 से पहले अनलॉक हो चुका है, तो एक एक पॉइंट दोनों का हो चुका है। हम बढ़ते हैं अपने थर्ड राउंड की तरफ, देखते हैं इस बार पहले कौन सा फ़ोन अनलॉक होता है। यहाँ पर जो टाइमिंग है वो Vivo V11 की थोड़ी सी फास्ट हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी Mi A3 थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। तो अब बढ़ते हैं फोर्थ राउंड की तरफ और फोर्थ राउंड में मुझे दोनों का टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम ही लगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था इस बार देखने के लिए। और अब बढ़ते हैं फिफ्थ राउंड की तरफ, तो फिफ्थ राउंड में भी Vivo V11 Pro पहले अनलॉक हो चुका है Mi A3 से। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो Vivo V11 Pro की Mi A3 से ज़्यादा है, क्योंकि एक्चुअल में इसकी कॉस्टिंग भी Mi A3 से काफ़ी ज़्यादा है। तो 30,000 की रेंज में Mi A3 जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको देता है उसकी स्पीड जो है वो इतनी फास्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी जो आप दूसरे फ़ोन के कंपैरिजन में इससे एक्सपेक्ट कर सकें, बट फिर भी Mi A3 30,000 रुपीज़ की रेंज में काफ़ी अच्छा ऑप्शन निकल के आ जाता है और जो फीचर्स आपको इस प्राइस रेंज में इसमें मिलते हैं वो बाकी फ़ोन्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। We'll be right back.